नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्ट्रेटजी और मैं आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं एक मैथ का प्रैक्टिस है। टोटल 20 क्वेश्चन हमने लिया है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल तीन तीन मार्क्स का पूछा जाना है, यानी कि टोटल 60 मार्क्स के लिए ये सेशन बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। और पहला क्वेश्चन है कि 150 मीटर इंटू 130 मीटर के आयताकार हॉल पर टाइल्स बिछाने के लिए न्यूनतम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। अब वर्गाकार आपको पता है कि ये सारे के सारे साइड बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 150 × 130 दिया हुआ है, ये दोनों का आप सबसे पहले एसीएफ निकाल लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो छोटा सबसे छोटा वर्ग होगा उसका भुजा आपको कितना रखना है। तो देख लीजिए इसका एसीएफ जब हम फाइंड आउट करते हैं तो बड़े ही आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले आप 150 को तोड़ लीजिए तो आप कहेंगे कि 15 × 10 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं कहूँगा कि 130 को भी तोड़ लीजिए तो 13 × 10 हो जाएगा। तो अब देखिए कि दोनों में 10 10 कॉमन है, 10 10 कॉमन है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 इसका एसीएफ हो जाएगा, एसीएफ 10 हो जाएगा। ठीक है, बस आप आसानी से आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप 150 × 130 डिवाइडेड बाई कितना कर लीजिए, तो 10 बाई 10 का कर लीजिए, क्योंकि वर्गाकार हो गया ना। अब इसको कैंसिल कर लीजिए तो 0 से 0, 0 से 0, अब 13 और 15 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 या 15 5, ठीक है, उसके बाद 5 3 8 1 9 और 1, यानी कि 195 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी है वैसे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 24, 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं। सभी ने 3 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए और सी कर चला जाता है, तो बी अकेले काम करते हुए कितने दिनों में बचा हुआ शेष काम पूरा करेगा। अब देखिए बहुत ही आसानी से सबसे पहले क्या करिए कि ए बी सी का एलसीएम आप निकाल लीजिए। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए बड़ी आसानी से हम निकालने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। देखिए ए बी सी पहले हमने ऐसे लिख लिया, और इनका जो है कितना है, तो 24 दिन में कर सकते हैं, ये 30 डेज में और ये 36 डेज में। अब सभी का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपके सामने एलसीएम कितना निकल कर आ गया, तो देख लीजिएगा इसका एलसीएम आप जब निकालेंगे तो 8 9 5 8 9 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360, यानी कि 360 आपके पास क्या निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे कि इसका एलसीएम निकल कर आ गया। बस अब सभी को कैपेसिटी निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका 12 निकल कर इसका 15 आ जाएगा, ठीक है, और बी का कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, और 36 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने क्या आ गया, इन सारे का कैपेसिटी आ गया। अब आपको क्या करना है कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया था 3 दिन तक, ठीक है भाई, तीनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया था, तो तीनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 27 और 10 37 हो रहा है। देखिए 37 हो रहा है, कितने दिन तक काम करते हैं, तो आप कहेंगे कि 3 दिनों तक काम करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3 × 1 = 11, यानी कि 121 आ जाएगा, यानी कि तीनों ने मिलकर 111 काम कर लिया है, और हमारे पास टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे कि 360 है, तो 111 को आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, शेष काम बचा हुआ आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसको माइनस कर लीजिए, और माइनस करने के बाद आपको कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 942, यानी कि 249 ये जो है ये शेष काम बचा हुआ है, और अब ए और सी काम छोड़कर चला जाता है, तो किसको करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि बी को करना पड़ेगा, और बी का कैपेसिटी कितना है अगर आपसे पूछ ले जाए, ये देखिए बी है और बी का कैपेसिटी कितना है, तो आप कहेंगे कि 12 है, यानी कि जो आपका 249 बच के ये शेष कार्य है और इसका कैपेसिटी कितना है, तो 12 है, तो बस 249 को अब 12 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 249 डिवाइडेड बाई कितना, 12, 12, 4 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, तो 6 × 24, 3 से कट रहा है, तो आप 3 से इसको काट सकते हैं अगर आप चाहें तो, और नहीं काटना चाहें तब भी हो जाएगा। चलिए वैसे काट ही लेते हैं, काफ़ी ईजी हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा आसान पड़ेगा, अब काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से काटेंगे तो 8 × 24 और 3 × 9, यानी कि आपके सामने कितना हो गया, 83/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करिए तो कितना बार में चला जाएंगे, तो अब कहेंगे कि 80, यानी कि 20 हो गया, 20 ऊपर 3 नीचे 4, यानी कि 20 पूर्णांक 3/4 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राइट, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक भी करते जाइएगा, सभी को एक एक लाइक करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 120 सेंटीमीटर की क्या है परिमाप है,
ठीक है, और 25 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ाई दिया हुआ है, और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए काफ़ी इजी है, समझिएगा। आप ये जानते हैं कि अगर हम एक आयत ले लेते हैं, तो आयत का ये लेंथ मान लेते हैं और इसका ये हम क्या मान लेते हैं, ये लंबाई और ये चौड़ाई मान लेते हैं, तो इसका परिमाप क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 2 × L + b होता है, इसका क्या होता है, परिमाप होता है। और परिमाप कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 120 दिया हुआ है। लेकिन आप देखिए कि चौड़ाई का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है कितना, तो आप कहेंगे कि 25 इसका वैल्यू दे दिया है, 25 वैल्यू दे दिया है। अब इसको 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, ये लीजिए 2 से कैंसिल कर दिए, तो ये 60 हो गया, हो गया ना 60। अब एल का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 25 माइनस हो जाएगा, यानी कि 35 निकल कर आ गया। तो अब देखिए क्या कि आपका जो चौड़ाई है वो दिया हुआ था 25 और लंबाई निकल गया, और आयत का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, बताइए, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और लंबाई आपके सामने कितना निकला था, तो आप कहेंगे 35 निकला था, और ये 25, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, काफ़ी ईजी है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 10 25 को 25 से ऐसे करके जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब मन में ही करेंगे तुरंत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 250 और 625 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 875 इस प्रश्न का उत्तर होगा, 875, यानी ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने पे आप भी आंसर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा, देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, बस आप समझिएगा बड़े ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है कि शिवांगी ने घड़ी 800 रुपये में खरीदी और 15% लाभ अर्जित कर शालू को बेच दी, 5% के लिए शालू ने उसे नंदिनी को बेच दिया, नंदिनी ने उसका 2 वर्ष उपयोग किया और 25% हानि पर प्रीति को बेच दिया, नंदिनी ने घड़ी प्रीति को कितने में बेचा। देखिए बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए कितना में, मेन आपको 800 को पकड़ना है, ठीक है, ये आपके सामने 800 हो गया, कितना लाभ पर, तो कहेंगे कि सबसे पहले ये देखिए 15% लाभ पर, लाभ यानी कि 115 आप कह सकते हैं, फिर से लाभ हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा परसेंट में, है ना, उसके बाद फिर 5% लाभ है, 5% लाभ यानी कि आप क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 105/100 कहेंगे, यही कह रहे होंगे, बिल्कुल यही कहेंगे। उसके बाद देखिए 25% हानि पर, हानि मतलब आप घटेगा, यानी कि 75 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो 25 × 75, 25 × 100 हो गया। उसके बाद ये कितना से कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 से कट जाएगा, ये 21 बार में और ये 20 बार में, ठीक है, 5 से कट गया, फिर और भी हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ये देखिए 23 × 25 = 115 और यहाँ ये 20 बार में कट जाएगा। और अब क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ये देखिए इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, ये दोनों से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 है ना, 8, ये 8 और ये देखिए 4 × 2 = 8, ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि नीचे क्या बच गया है, नीचे सिर्फ आपका 2 बच गया है, और ऊपर में आप देखिए तो आपके सामने बचा हुआ है 23, 21 और 3 बचा हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, तो आप क्या कर सकते हैं कि 23 × 69 को आप क्या कर सकते हैं, 21 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कितना आपके सामने आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे कि 9, उसके बाद 9 × 18 और 6 = 24, 4 = 2, 6 × 12 = 14, यानी कि इतना आ रहा है आपके पास, तो आप कहेंगे कि 1449 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना, इसको आप कर लीजिए सॉल्व, कितना हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे कि 7 × 4 = 5 हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है। बोली समझ आया, अगर समझ आया तो फटाफट से एक एक लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आप खुद भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, तीनों का रेशियो आपको बताना है, तीनों का अनुपात बताना है क्या होगा। तो अगर आप ऐसा करें कि 3a = 5b = कितना है, 4c है, आप ऐसा करिए कि इसको k के बराबर आप मान लीजिए, वैसे बहुत सारे तरीके हैं लेकिन जो मैं तरीका सोचता हूँ वो देखिए कैसे हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं आपकी, आप ऐसे कह सकते हैं कि 3a = k आप मान सकते हैं क्या, बिल्कुल मान सकते हैं। और अगर मैं पूछ लूँ, अगर मैं पूछ लूँ कि आप ये बता दीजिए कि a का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि k/3 हो जाएगा, k/3 हो जाएगा। उसी तरीके से b का वैल्यू अगर मैं पूछ लूँगा तो आप क्या कहेंगे, यानी कि k/5 हो जाएगा। c का वैल्यू पूछ लेंगे तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि k/c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी आसानी से, अब a b c तीनों का आप रेशियो में बदल लीजिए, यानी कि तीनों को रेशियो में करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि k/5
के बाई थ्री ना, के बाई थ्री। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, तो आप कहेंगे कि के बाई बी, फिर क्या कर सकते हैं आप कहेंगे के बाई क्या, के बाई बी, बी का वैल्यू यहाँ पर फाइव रखेंगे, फाइव रखेंगे, और सी का यहाँ पर कितना रखेंगे, फोर रखेंगे। अब देख लीजिए, अब के तो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वन बाई थ्री, वन बाई फाइव, वन बाई फोर। यानी कि अल्टीमेटली हम आपको ये बताना चाहते थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप क्या कर लीजिए, आपको ऐसा करना है ना कि आप वन बाई थ्री बस उल्टा कर लीजिए सबको, है ना, रेसिप्रोकल कर लीजिए, वन बाई फाइव और फिर कितना, वन बाई फोर, बस। अब आपका रेशियो निकल गया, नीचे आप एलसीएम ले लीजिए कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे कि पाँचों के बीस या साठ, साठ को फिर तीन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके सामने हो जाएगा बीस, और फिर साठ को करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, साठ, तो कितना हो जाएगा, बारह पच्चीस साठ और पंद्रह चौके साठ, यहाँ पर हो जाएगा पंद्रह, यानी आपके सामने बीस बारह पंद्रह, ये आपका रेशियो आ गया। मैं बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आप स्पीड में बनाएंगे तो तुरंत बनेगा, राइट। तो पाँच का सही आंसर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, या एट द रेट हैप्पी स्टडी जोन भी सर्च करेगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, राइट। ओके, उन संख्याओं का मान ज्ञात करें जिनके बीच का अंतर कितना है, बीच का अंतर आपको 35 मिलना चाहिए, और परस्पर मान का जो अनुपात है वो 2/7 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर किसी तरह का आपको एक्स वगैरह कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन को पकड़िए कि आपके सामने कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिफरेंस सबसे पहले 35 आपको मिल रहा है। तो देखिए इसमें तो 35 नहीं मिल रहा है, इसमें भी 35 नहीं मिल रहा है, इसमें देखिए इसमें तो मिल रहा है लेकिन 7/42 है, यानी कि इसको अगर काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि 2/7 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए इसको चेक करके देखिए अंतर आ रहा है क्या, आप 49 में से 14 को माइनस करके देखिए तो आप कहेंगे कि हाँ 35 तो आ रहा है, बिल्कुल एक कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद देखिए इसको हम क्या करते हैं कि अनुपात में देखते हैं, तो आप कहेंगे कि 14/49 ये कहेंगे, अब इसको काटिए तो 7 × 2 = 14 और 7 × 7 = 49, 2/7, यानी कि दोनों ही कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न करते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और समझ आ गया आ जाएगा आप लोग को, और ख़ुद भी आप कोशिश करिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एक विक्रेता कितना, तो 178.5 प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, उसे 15% नुकसान होता है, 252 प्रति किग्रा यानी किलोग्राम पर बेचने से उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर नुकसान हो रहा ना गाइस, कितना, तो आप कहेंगे कि 15% इसको नुकसान हो रहा है, यानी कि वो बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 85% में, और यही 85% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 178.5 दिया हुआ है, यही कहेंगे। तो आपको अगर इसका क्या चाहिए, सीपी चाहिए, अगर इसका सीपी चाहिए तो 100%, सीपी क्या होता है, 100% होता है क्रय मूल्य, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे तो 178 इंटू क्या करेंगे, 178 को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बताइए, आप लोग खुद भी एक बार खुद कोशिश करेगा, तो ये वाला 100 इधर आ जाएगा, 100 कर लेंगे और नीचे 85 हो जाएगा, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। एक जीरो से यहाँ पर ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 17 × 5 = 85, ये 17 बार से, फिर इसको हम काट सकते हैं 17 से, कितना बार में कट जाएगा, तो 17 × 8 = 17 = 85। आप देख लीजिए कि आपके पास 210 निकल कर आ गया, ये देखिए 105 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 210 आपका सीपी निकल कर आ गया, ठीक है। जब आपके पास सीपी निकल कर आ गया और आपको यहाँ पर एसपी दिया हुआ है, 210 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 242, यानी आप कह रहे होंगे कि 42 इसका लाभ होगा, और लाभ कैसे निकालते हैं, तो ये जो लाभ है और हमने अभी निकाला था 210 इसका सीपी निकाला था, इंटू 100 कर देते हैं, बस आप वो कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 21 × 42 दो बार में, यानी कि 10 × 20% इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप 20% आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बोलिए समझ आएगी नहीं। अगर समझ आता जा रहा है और अच्छा लग रहा है सेशन, तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा दबा के, सभी कोई, ऐसा ना हो कि कोई भी छूट जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 600
एक्स का कितना है, तो 0.05% है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना, ये तो काफ़ी ईजी है मेरे ख्याल से। इसका आंसर तो सभी को फाइंड आउट करना चाहिए कि सही आंसर क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, कि आप कहेंगे कि एक्स इंटू 0.05%, परसेंट को हटाइए, यहाँ पर 100 ले आइए, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 600 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों को मतलब यहाँ से हटाइए और दो जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए, एग्जैक्टली आप लगा भी सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से आप 5 से इसको कर लीजिए क्या, डिवाइड कट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 120 बार में कट जाएगा, 12 25 60 और एक जीरो, यानी कि 12 में कितना जीरो हो जाएगा, तो पहले से एक जीरो और यहाँ चार जीरो, यानी कि टोटल 5 जीरो आपको लगना चाहिए, ठीक है। ये 5 जीरो किस में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इज़ करेक्ट वन, ठीक है। बोलिए समझ आ रहा है, बताइए सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। 9 का सही आंसर बता दीजिएगा, आपको बताना है कि एक टैक्सी 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में पूरा करती है, उस दूरी को 21 मिनट में पूरा करने के लिए अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। अब देखिए बहुत आसान है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि अब देखिए समझिएगा, आपके सामने स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, उसी दूरी को बार बार दूरी की बात कर रहा है, निश्चित दूरी की बात कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम दूरी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये देखिए स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए स्पीड, स्पीड 120, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 35 दिया हुआ है, लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं कि आर में बदल लेते हैं, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए ये कट जाएगा दो बार में, यानी कि 35 × 70 किलोमीटर जो है ये इसका क्या है, डिस्टेंस है। 70 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास दिया क्या है, 21 मिनट ये टाइम दिया हुआ है, 21 मिनट में पूरा करने पर कितना उसके गति में वृद्धि करना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो आपके सामने डिस्टेंस निकल कर कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 70 किलोमीटर आपके सामने निकल कर आ गया है। अब आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, ठीक है, स्पीड निकालना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे कि 70 है, ठीक है। टाइम कितना है, तो आप कहेंगे कि देखिए 21 है, 21 क्या है, ये मिनट में, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से आप डिवाइड कर रहे होंगे, बिल्कुल करेंगे, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब देखिए आगे हम करते क्या है, इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते, तो 70 तो रहेगा ही, 70 का डिवाइड 1 हो जाएगा, और इसको हम ऊपर में पलट देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60/21 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब इसको क्या करिए, आप कैंसिल कर रहे होंगे, तो कैंसिल करने के बाद 7 से कैंसिल करिए सबसे पहले, तो 7 से अगर कैंसिल करते हैं, तो 7 × 21 और 7 × 70, ये 10 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर 3 से इसको डिवाइड करिए, तो 20 टर्म्स में कट जाएगा, यानी कि आपके सामने स्पीड कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे कि 200 आपके पास स्पीड निकल कर आ गया, 200 निकल कर आ गया, यानी कि कितना वृद्धि करना पड़ेगा, अगर आपसे पूछ ले कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो 200 है ना, 200 है, और पहले से कितना था, 120 था, तो आप इसमें माइनस कर लीजिए 120 को, तो आप कहेंगे कि टोटल कितना निकल आ रहा है, निकल कर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि 80 किलोमीटर पर आर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, लेकिन उतना लेंदी नहीं पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको निश्चित रूप से समझ आनी चाहिए। देखिएगा कि यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 1200 रुपये है, ठीक है। उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बड़े ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से आपको समझने की आवश्यकता होगी, आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए आपके पास रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%, और 10% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि 1/10 हो जाता है। कितने मैक्सिमम साल के लिए, तो आप कह रहे हैं 4 साल के लिए, ठीक है। तो जो 4 साल के लिए रहता है, उसी के पावर में हम कर देते हैं, वही पावर को मान लेते हैं मूलधन के रूप में, मान लेते हैं ऐसा, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 10,000 हम मान सकते हैं, पावर 4 हो जाएगा ना, ये 10,000 आप क्या मान सकते हैं, मेन आप मूलधन मान सकते हैं। अब क्या करना है आपको, 4 वर्ष के लिए मानना है ना, 4 वर्ष आपको 4 बार्ट में डिवाइड कर देना है, और 10% इसका क्या है, रेट है। तो इसका अगर 10% आप निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1000 हो जाएगा, यानी कि पहले साल के लिए सबका 1000 हो जाएगा,
ठीक है, 1000 हो गया, इसका भी क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, अब फिर से आगे हम चेक कर रहे होंगे तो फिर इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसका भी 100 हो जाएगा, इसका भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जब हम चेक कर रहे होंगे तो आगे करने के बाद क्या होगा, फिर से देखिए, इसका तो हम 10% लेंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 100 हो जाएगा, और इसका भी 10% आप लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे करिए, तो यहाँ पर देखिए कि इसका तो 100 लेंगे ही लेंगे, इसका वाला, इसका तो लेंगे ही, इसका भी लेंगे, कितना लेंगे, तो कहेंगे कि 100 लेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर इसका भी 10% लेंगे, इसका भी 10% लेंगे, और इसका भी 10% लेंगे, और 100 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 10 होगा, फिर से 10 होगा, और फिर से 10 हो जाएगा, और ये जो बच गया आपका 10, इसका भी 10% लेंगे तो 1 हो जाएगा। बोले समझ आ रहा है ना, बिल्कुल समझ आना चाहिए, इसको 1000 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्या पूछा था, अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर दीजिएगा कि आपका यहाँ पर पूछा क्या है। ये देखिए आपके सामने जो दिया हुआ है कि दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया दिया हुआ है। पहली बात तो ये आपके पास दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है आपके सामने, आपसे पूछ रहा है कि चौथा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए कि आपका दूसरा वर्ष कितना है, दूसरा वर्ष कितना है, और आपका दूसरा वर्ष ये रहा आपका दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष कितना है, तो आप कहेंगे 1000 और ये 100, यानी कि 1100 आपके सामने हो जाएगा, और यही 1100 के वैल्यू कितना के बराबर है, तो आप कहेंगे कि 1200 के बराबर है, अभी हमने पढ़ाया था ना आपको, तो 1200 हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक यूनिट का वैल्यू निकालना चाहें, एक यूनिट का वैल्यू, तो यहाँ से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपका एक यूनिट का वैल्यू निकल गया, ताकि आप चौथा साल का आप आसानी से निकाल पाएँ। ये देखिए चौथा साल आपके पास क्या निकल कर आ गया है, ये रहा चौथा साल टोटल, ये टोटल चौथा साल रह गया। तो देखिए 1000 तो ये हो गया, और 300 ये हो गया, और 30 ये हो गया, और इतना हो गया, यानी कि 1300 कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये चौथा साल का आपका ब्याज है, ये चौथा साल का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और एक यूनिट का वैल्यू आपने निकाल लिया था, कितना निकाला था, तो आप कहेंगे कि 12/11 निकाल लिए थे, तो इसको आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, 12/11 से आप डिवाइड कर लीजिए, और 11 से जब इसको आप क्या करेंगे, 11 से जब इसको आप कैंसिल कर रहे होंगे, तो कितना बार में कटेगा, तो 121 बार में कटेगा, ठीक है। कितना बार में, 121 बार में कटेगा, और 121 को आप क्या करिए कि इस 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना मिल रहा है बताइए, कोई बता सकते हैं, तो 1452 आपको मिल रहा है, और 1452 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं, समझ आ जाएगा। एक बार आराम से आप देखिएगा, बड़े ही इत्मीनान से दोबारा से पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये जो ट्री मेथड है गाइस, ये ट्री मेथड बड़े कमाल का मेथड होता है, क्योंकि कोई साल का जैसे भी करके क्वेश्चन दे दें, हम बड़े ही आसानी से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, और देखिए इसमें करना क्या है आपको कि 17/3 सबसे पहले दिया हुआ है, एज इट इज लिख लेते हैं, और देख लीजिए ये जो 3 है, ये 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए, सिंप्लीफाई करते चले जाइएगा, तो जब हम सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि -5 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपके पास 5 बचेगा, और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप देखिए यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ 2 कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1/6 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते चले जाइए, कितना हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा एलसीएम, और 17 × 2 = 34, क्योंकि 3 × 2 = 6 दो बार में कट रहा है, तो आप कहेंगे कि 17 × 2 = 34 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 से मतलब कितना बार में, 3 से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर दीजिएगा 6 × 3 = 18, 100 हो जाएगा, और 5 × 3 = 15 हो जाएगा, इक्वल टू कितना कह सकते हैं, 1/6 आप कह सकते हैं, ये दिया हुआ है। अब देखिए आगे इसी तरीके से हम सॉल्व करते चले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो आप देखिए ये 6 से ये 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 18 × 100 हो जाएगा, और इसको आप माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करने के बाद आपके सामने कितना आ रहा है बताइए, इसको जब आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है प्लस 19 आ रहा है, इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे कि 1 है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, 18x इक्वल टू 1 − 19 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा, ये -18 हो जाएगा ना, तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1, यानी कि x का वैल्यू -1 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी -1 आप आंसर कर रहे हैं, -1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल -1 सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, और आप बिल्कुल सही आंसर भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, सारे के सारे लोग कमेंट करने की कोशिश करिए, जो थोड़ा बहुत भी आप कोशिश कर सकते हैं।
देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और आपको याद होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप तो एक वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, एक आप कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस, है ना, ए प्लस बी ऐसे करके कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू आप कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा थ्री ए बी, थ्री ए बी ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में आप पुट करके कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया जो कि काफ़ी लेंथी पड़ जाता है, उतना समय नहीं होता है मेरे पास, तो आसानी से इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 54 को टारगेट करना और 15 को टारगेट करना है। इसको आप देख लीजिए कि 9 6 54 और 9 और 6 15 दोनों ही इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ए का वैल्यू जो हो गया वो 9 हो गया और बी का वैल्यू हो गया ये 6 हो गया। तो 9 का क्यूब अगर आपसे पूछ ले और 6 का क्यूब आपसे पूछ ले और दोनों को ऐड कर दे तो शायद आपका काम बन जाए। तो देखिए 729 इसका होता है और आप कहेंगे कि 6 का कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 216 होता है, यानी कि 5 4 9 945 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने भी 945 आंसर कर रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, बोले मजा आया, अगर मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक करते चले जाइएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक भिन्न और उसके भिन्न के व्युत्क्रम के 3 गुने का योग कितना है, तो 37/10 है वो भिन्न क्या होगा। अब देखिए समझिएगा इसको बहुत ही आसानी से ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो अब सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते जाइए। पहला ऑप्शन लेते हैं हम 5/2, क्या कर रहा है कि दोनों का योग कितना है, तो उस भिन्न के योग से 3 गुना, ठीक है भाई 3 गुना। तो व्युत्क्रम पहले कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, यानी कि 2/5 हो जाएगा, 3 गुने तो 3 गुना भी कर लिया। कितना आना चाहिए, तो 37/10 आना चाहिए। अगर ये RHS और LHS दोनों बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे कि ये वैल्यू को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 इसका LCM हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि 2 × 5 = 10 यानी कि 25 हो जाएगा ऊपर में, और प्लस कितना बार में, 2 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे 3 × 6 × 12 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 37/10 आना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए आ भी रहा है, देखिए 25 और 12 कितना हो रहा है, 37/10, यानी कि इस वैल्यू को ऑप्शन ए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आगे चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए ये तो आपने बहुत बनाया होगा और दोबारा से रिमाइंड में करा देता हूँ। देखिए समांतर श्रेणी का 4th और 8th पद आपको दिया हुआ है और 19th पद पूछा हुआ है। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि आपके पास A4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो आप कहेंगे कि 11 दिया हुआ है, और A8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि -9 दिया हुआ है, और आपका 19th पद पूछ रहा है क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। आपको एक चीज़ पता होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है, समांतर श्रेणी कहते किसको है, तो आप कहेंगे कि 1 2 ऐसे कर लेते हैं, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, राइट 2 का डिफरेंस ले लेते हैं ताकि आपको समझना आसान होता है, जो 2 4 6 8 ऐसा हमने ले लिया। अब ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे ये 2 है, फिर यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, समांतर श्रेणी कह रहे हैं। और ये जो 2 आपको मिल रहा है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको हम डी बोलते हैं, डी बोलते हैं, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, इतना तो आपको पता है। अब समझिए यहाँ पर कि मान के चलिए ये कितना है, आप कहेंगे कि A1 है, ये कितना है A2 है, ये कहेंगे कि A3 है। अब इतना ही मैं समझ लीजिए कि अगर आपको डी दिया हुआ है, अगर आपका डी दिया हुआ है और आपके पास ए दिया हुआ है और आपका A3 पूछा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख लीजिए ए का वैल्यू कितना है, 2 है, ए का वैल्यू कितना है, 2 है, और डी का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि ये भी 2 है, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है, तो A3 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगे। जैसे अगर चौथा पद आपसे निकालना है तो A+3D आप कर सकते हैं, ये आपका चौथा पद के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये तीन बार जो है ये डी 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 हमेशा अगर जुड़ता चला जाएगा तो ये चौथा पद बन जाएगा, क्योंकि पहला पद तो ये है ही और 3 एक्स्ट्रा पद जुड़ जाएगा तो टोटल 4 पद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए बड़ी आसानी से कह सकते हैं, यानी कि जो चौथा पद है ये निकालने के लिए आप A+3D कह सकते हैं, 3D कह सकते हैं। उसी तरीके से आपको 8th पद निकालना है तो A+7 7D आप कह सकते हैं, और
दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि पहला का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 11 और उसके बाद आपके पास वैल्यू कितना दिया हुआ है तो -9 दिया हुआ है। बस आप यहाँ से डी और ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, आप आसानी से यहाँ से 19वां पद निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो प्लस करते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके सामने कितना हो गया, -4D हो गया, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आप कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली डी का वैल्यू आपके सामने कितना निकल कर आ गया, तो 5 × 20 यानी कि -5 आपका डी का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया। बोलिए इतना तो आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आना चाहिए। अब देखिए आपके सामने डी का वैल्यू निकल गया लेकिन ए का वैल्यू नहीं पता, ए का वैल्यू नहीं पता भाई, तो ऐसा करते कि पहला इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, बिल्कुल पुट कर देते हैं, तो प्लस 3 डी का वैल्यू निकल चुका है, माइनस कितना, -5 निकल चुका है, इक्वल टू कितना, तो कहेंगे कि 11 है। बस आप इसको कर लीजिए सॉल्व, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 15 इधर माइनस में हो जाएगा उधर प्लस में चला जाएगा, यानी कि 11 + 15 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितना निकल कर आ गया, तो 5 × 6 = 26 निकल कर आ गया। ए का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो अब 26 निकल कर आ गया। तो अब आपके सामने दोनों ही वैल्यू आपके सामने मौजूद है, यानी कि आपको क्या क्या आवश्यकता है। तो आपको पहला टर्म की आवश्यकता है जो कि हमें मिल चुका है, कितना मिला है, तो आप कहेंगे कि जो पहला टर्म है वो कितना मिला है, तो पहला टर्म आपको 26 मिल चुका है। डी कितना मिला था, तो आप कहेंगे कि -5 मिल चुका था। बस 19वां टर्म निकालने के लिए बस सेम मेथड को आप अप्लाई करिएगा, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर हाजिर है। यानी कि a + 18d कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, और a का वैल्यू कहेंगे कि 26 है। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, +18 इंटू क्या कर सकते हैं, -5 कर सकते हैं। राइट, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 26 और प्लस माइनस माइनस 18 × 25 = 90 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो -64 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी -64 आंसर कर रहे हैं, -64 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप निश्चित रूप से आप करिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना है, बच्चे वाली कैलकुलेशन है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। 15 का सही आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, तो देखिए सबसे पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। हालांकि यहाँ पर अगर मैं करूँ तो आप खुद भी कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, आप खुद ये कर सकते हैं, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। तो 286 8614 प्लस कितना हो जाएगा, 3320 तो दिया ही हुआ है, और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा बताइए, तो ये आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा बताइए, तो आपके सामने 290.06 आपके सामने निकल कर आ जाएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आप बी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, काफ़ी इजी है, बस कैलकुलेशन आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, और देखिए यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया हुआ है, और बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड कितना, तो वाई अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है, आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते क्या है, देखिए सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पॉइंट आपका ए दिया हुआ है, एक पॉइंट आपका बी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट दिया हुआ है तो आपका 5 3, उसके बाद इसका -3 और 1 दिया हुआ है। अब आपको पूछा हुआ है कि वाई एक्सिस, और जब भी हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो जो उसका एक्स है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। और आपका यही रेशियो पूछा हुआ है कि किस रेशियो में ये विभाजित होगा। ठीक है, किस रेशियो में विभाजित होगा ये पूछा हुआ है, तो मान लेते हैं कि M1 M2 में ये विभाजित होगा, M1 M2 में ये विभाजित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझना क्या है कि जब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप अगर देखिएगा कि x का फॉर्मूला क्या होता है, x का निकालने के लिए, तो आप कहिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो आप कहेंगे कि M1 X2 प्लस क्या कर सकते हैं, M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। उसी तरीके से y का भी निकालेंगे, बस y x की जगह पर y पुट कर देंगे, ये y का निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, 0 है, तो x के वैल्यू से ही इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं, तो x का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था, M1 X2 कितना है, तो X2 आप कहेंगे कि -3 है, X2 आपके पास -3 है, बिल्कुल है, ओके। उसके बाद
प्लस करते हैं, बिल्कुल प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा एम टू, एम टू हो जाएगा, और एक्स वन कितना, तो कहेंगे कि फाइव हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, ये इन टू हो जाएगा एक्चुअली में, उसके बाद एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, राइट। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, यानी कि आपने आपके सामने अल्टीमेटली क्या बचा हुआ है, तो आप कहेंगे कि माइनस थ्री एम वन इक्वल टू, मतलब प्लस कर दीजिए पहले यहाँ पर, प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि फाइव फाइव एम टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस ये दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फाइव एम टू इक्वल टू थ्री एम वन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एम वन बाई एम टू का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि फाइव बाई थ्री इसका निकल कर आ जाएगा, यानी कि 5:3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। बचपन में आपने खूब पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 5:3 हमने निकाला था और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आपको परेशानी है तो आप ऐसे समझिए कि अगर एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जब भी हम क्या बात करते हैं, जब भी हम एक्स एक्सिस की बात, जब भी हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो इसका जो एक्स होगा वो जीरो हो जाता है और ये वाई रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स तो रहेगा लेकिन वाई आपका जीरो हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना था, और बाकी फार्मूला आपको याद रखना है कि एक्स का फार्मूला क्या याद रखना है, एम वन एक्स टू आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ये आपको निकाल लेना है एम वन प्लस एम टू, ठीक है, ये काफ़ी काम आने वाला है। और जब वाई का फार्मूला निकाल रहे होंगे तो बस उसी तरीके से एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, यही अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला है, इसी से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और ये काफ़ी ईजी है वैसे। 7x-11y इक्वल टू कितना है, 12 दिया हुआ है, ढलान पूछा हुआ है, ढलान मतलब होता है स्लोप, स्लोप आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए आप ये जानते रहे और आपको पता होना चाहिए कि 7a प्लस ऐसे कर सकते हैं कि हम कुछ भी मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ऐसा अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे स्लोप पूछ दिया है, अगर आपसे क्या पूछ दिया है, स्लोप पूछ दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी, ठीक है, माइनस ए बाई बी। यहाँ ए और बी का वैल्यू कर के साथ क्या लगा देना है आपको, बस माइनस लगा देना है, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तोड़ना चाहते हो, आप क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 7x प्लस माइनस 11y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए आप स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप यानी कि एम से स्लोप को हम डिनोट कर सकते हैं एम से, तो इसका स्लोप आप निकाल लीजिए, स्लोप क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पहले से तो माइनस फॉर्मूला में है ही, ये 7 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि माइनस इलेवन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 7/11 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। बोलिए समझ आया, अगर समझ आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। फॉर्मूला एम का याद रख लीजिएगा क्या होता है, तो माइनस ए बाई बी होता है इक्वेशन के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करना, यह भी काफ़ी ईजी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कल भी बताया था। देखिए त्रिभुज आपका एक्स वाई जेड दिया हुआ है और पी क्यू आर दिया हुआ है, दोनों समरूप है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों समरूप है, और एक्स वाई और पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है 6:1, और पी क्यू आर का भी जो क्षेत्रफल है 15 cm² दिया हुआ है, और एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अगर दोनों समरूप है तो आप ये समझ लीजिए कि एरिया ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर जो इक्वल होगा, ये बराबर होगा किसके, तो आप कहेंगे कि ये 6 है और ये 1 है, दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। इतनी सी बात आपको समझ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि पी क्यू आर का वैल्यू आपके सामने कितना दिया है, तो 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। आपका वैल्यू किसका निकालना है, तो आपको निकालना है एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड का निकालना है, ये 15 तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि 36 × 15/1 हो जाएगा, जब इसको ऐसे आप कर रहे होंगे तो। चलिए इसको आप गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 15 × 60, 9 × 56, यानी कि 540, ठीक है, 540 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 540 cm²,
तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर तो वेरी वेरी इजी, बस आपको याद रखना चाहिए उसका वैल्यू। अब देखिए अगर बात करते हैं कि कोट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद आपको बताना है कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो आपको बताना होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3, उल्टा हो जाएगा। और कोस 63 का वैल्यू होता है 1/2, और इसका उल्टा हो जाएगा 2। और यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर आप इजिली कर सकते हैं और ए इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबहुभुज का अंतःकोण किसी समषट्भुज के अंतःकोण का कितना है, तो 6/5 गुना है, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है गाइस, आपका अगर किसी भी बहुभुज का अंतःकोण निकालना है, कोई भी बहुभुज हो सकता है, उसका एक अंतःकोण निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, एन कर देते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी बहुभुज का, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कुछ भी हो, सभी का हम क्या करते हैं अंतःकोण यानी कि एक कोण निकालने के लिए इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, करना क्या है कि एक सम बहुभुज की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है, और एक आपके पास दिया हुआ है षटभुज आपको दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बहुभुज का वैल्यू नहीं जानते, यही एन निकालना है। एन माइनस टू होगा इंटू 180 हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री से हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। इक्वल टू क्या करेंगे, आपके पास षटभुज दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि 6-2 है ना, षटभुज मतलब जिसकी भुजा 6 हो, और इंटू 180 डिग्री करेंगे, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, तो आप कहेंगे डिवाइडेड बाय आपको करना होगा 6, क्योंकि यहाँ पर एन का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 6/5 गुना है, कितना है, तो आप कहेंगे कि 6/5 गुना है, तो 6/5 गुना है, तो आप कर लीजिए 6/5 गुना, यहाँ पर गुना कर लिए क्योंकि ऐसा बोला हुआ है, राइट। अब सॉल्व करिए तो आप कहेंगे कि आपका यहाँ 6 से 6 क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, हमने कैंसिल भी कर दिया है, और क्या हो रहा है, तो 180 से 180 आपका कैंसिल हो जा रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो 5n-10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि इधर ये 4n हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या आप इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना निकल कर गया, 10 निकल कर आ गया, और 10 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जितने भी आप 10 आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जितने भी आप 10 आंसर कर रहे थे 10 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो तहे दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट कोई और टॉपिक पे आपको चाहिए, रीजनिंग पर चाहिए या नहीं चाहिए, एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही